हेलो एवरीवन वेलकम टू एड्यूटा तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैब एग्जाम के लिए आपको कौन सा इलेक्टिव अवॉइड करना है तो अगर हम कैब एग्जाम की बात करें तो हमारे पास चार कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको क्लियर करना ही करना है फिफ्टी मार्क्स आपको उनमें लेने हैं इलेक्टिव जो है आपके पास पांच का ऑप्शन है इनमें से आपको कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट करना है सिलेक्ट करना है और उसमें भी आपको फिफ्टी मार्क्स लेने ही लेने हैं फिफ्टी और अबव अब आपको मार्क्स लेने हैं तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेनिफिशियल रहेगा कौन सा पढ़ना इजी रहेगा और कौन सा अवॉइड करना है इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है रूरल बैंकिंग अगर आप किसी रीजनल रूरल बैंक में काम करते हो आपको स्कीम्स वगैरह पढ़ने का शौक है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं तो आप रूरल बैंकिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काफी सिलेबस आपका जो ऑलरेडी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है एबीएम उससे काफी मिलता जुलता है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉम्पोन आता है तो अगर आपको ए बी ईजी लगता है उसका एच आर कॉम्पोनेंट ईजी लगता है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं प्लस एक और बेनिफिट है इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है क्योंकि कैब एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं काफी न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए होंगे नॉर्मली क्या होता है आपको क्वेश्चन दिया है ऑप्शंस में से एक चूज करना है तो अगर आपको तुक्का भी मारना है आप वो भी मार सकते हैं लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा आपको सॉल्व करके वहां पे फिल करना है लिख के कि क्या आंसर है तो न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं कैब एग्जाम में फिर आता है आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है अगर आपका कंप्यूटर साइंसेस का बैकग्राउंड है बी सी ए किया है आपने तो फिर आप ये वाला सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बाकी लोग जिन्हें कंप्यूटर थोड़े से डिफिकल्ट लगता है वो इसे अवॉइड करें फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट जो है ये एक इलेक्टिव है जो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगी बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बी एफ एम का, का काफी कॉम्पोनेट है इसमें न्यूमेरिकल्स हैं काफी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए तो आप इसे अवॉइड करें तो बेहतर है हाँ अगर आप न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे हैं आपको बी एफ एम बहुत अच्छे से आता है आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट है तो आप ये चूज कर सकते हैं अदरवाइज कैब क्लियर करने के बाद आप इनमें अलग से डिप्लोमा भी कर सकते हैं तो मेरा रेकमेंडेशन रहेगा टाइम कंस्ट्रेन है तो रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव को आप अवॉइड करिए फिर है सेंट्रल बैंकिंग और अगर आपको आरबीआई की बैंकिंग में उसकी वर्किंग में इंटरेस्ट है अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़ सकते हैं अदरवाइज आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट तो जितना हो सके आप अवॉइड करिए और एचआरएम जो है वो काफी इजी सब्जेक्ट है काफी आप कंपल्सरी सब्जेक्ट में भी कवर कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट जो है मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा तो आप एक बार खुद से भी सिलेबस देखिए अपना इंटरेस्ट देखिए ये नहीं कि मेरे दोस्त ने लिया है तो मुझे भी लेना है किसी और ने क्लियर किया तो मुझे भी लेना है आप एक बार इनका सिलेबस देखिए अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए उसके बाद आप जो है अपना इलेक्टिव सिलेक्ट कीजिए तो ये था मेरा रिकमेंडेशन अगर आपको हमारी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है प्रेपरेशन में आपका कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ डू मेलर एट हेलो एट एडियो टैप डॉट को डॉट इन एंड आपका जो मैसेज uh, होगा उसका हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत सारे फ्री कंटेंट के लिए सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच